एग्जाम्पल दीज थिंग्स, स्मॉल स्मॉल थिंग्स बाय गिविंग एग्जाम्पल ऑफ एवरी थिंग, कि भाई मैम ने ऐसे कहा, ऐसे उन्होंने ये कहा, आपको किसी ने कह दिया, तो हाउ यू हैव टू रिएक्ट विद दैट. कभी आ रहा है वैसे रोना, इट्स ओके, यू कैन सिट, इट्स यू क्राई इट डजंट मैटर, यू आर अ बॉय और अ गर्ल, जस्ट रिलीज ऑल दोस इमोशंस. यस, दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग यू डिड, बिकॉज इन आवर सोसाइटी व्हाट वी डू रॉन्ग इज वी टीच आवर बॉयज दैट मेन डोंट क्राई. क्या होता है, वी आर टॉर्चरिंग देम, बिकॉज अब क्या है, वो दे आर नॉट क्राइंग, तो उनका वो बाहर नहीं निकल रहा है, नहीं निकल पाता है, अंदर अंदर इतना ज्यादा हो जाता है, पेंट अप इमोशंस हो जाते हैं, कि कल को वो इमोशनली अनअवेलेबल बन जाते हैं. इफ वी हैव एवर फेस्ड एनी मैन सो फार इन आवर लाइफ, राइट फ्रॉम आवर यंग एज टिल नाउ, हु वॉज ऑलवेज इमोशनली अनअवेलेबल, नम्ड आउट, तो आप ये समझ लीजिए कि वो बंदा ट्रॉमास लिए हुए था अपने अंदर. यस यस मैम, यस. इसलिए हमें अपने बॉयज को, अपने मेन को भी ये सिखाना है, हाउ टू रिलीज, हाउ टू रिलीज, बिकॉज इट इज अ टॉर्चर, इट इज अ डैम बिग टॉर्चर टू मेन इन आवर सोसाइटी दैट बॉयज डोंट क्राई. दे डू क्राई, दे नीड टू क्राई. यस यस, क्राई टू रिलीज ऑल ऑफ दैट, सो दैट देयर इज स्पेस फॉर लव. तो उनके पास स्पेस ही नहीं होती, बिकॉज yes. तो सब भरा है, तो हम उनको जितना भी प्यार देते हैं, दे कैन नॉट, उनको समझ ही नहीं आता, क्योंकि वो यहीं से टकरा के वापस जाता है. जब उन्होंने रिसीव ही नहीं किया, तो वो गिव क्या करेंगे, और फिर हम कहते हैं कि यार ये बंदा तो इमोशनलेस है, इसके साथ हमें क्या, इसके yes. साथ, बिकॉज अभी उसको बेचारे को तो है ही नहीं ना, उसने कभी अपने इमोशंस निकाले नहीं, जो पहले से ही भरा पड़ा, वो तो उसके अकॉर्डिंगली ही बिहेव कर रहा है, उसकी गलती ही नहीं है, उसको सिखाया ही गलत सोसाइटी ने. सो आई टेल माय बॉय इफ ही वांट्स टू क्राई, क्राई. यस यस मैम. रोता भी है, मैं उसको कभी नहीं बोलती, अरे तू, यू आर अ बॉय, बॉयज डोंट क्राई. आई टेल हिम इट्स ओके टू क्राई, इट्स सेफ टू क्राई, इट्स सेफ टू शो योर इमोशंस, इट्स सेफ टू शो व्हाट यू आर फीलिंग इनसाइड, एंड इट्स सेफ टू शेयर इट विद मी, एटलीस्ट इफ नॉट विद एनीबॉडी एल्स, यू आर नॉट कंफर्टेबल, share it with me, and I'm always there, and it's okay to cry once in a and while. Even I do that, ma'am. Like my son cries sometimes, he cries a lot. I say, you sit, or ek baar to tu pura ro le, fir kya hai dil mein, then you say me what happened to you, why are you crying. I don't stop him, ki don't cry, let him, that's important. Yes, that's very important, and I think that's how we are changing the society. Please, that is how we are changing our upcoming society, क्योंकि हम हमारे से पहले वाली जनरेशन को चेंज नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं हम, पहले खुद को चेंज कर सकते हैं, फिर हमारे आने वाली जनरेशन को चेंज कर सकते हैं. That is going to bring change. उसी में वो जब 50s में पहुंचेंगे, तब तक सोसाइटी विल चेंज, इतने साल लगेंगे, राइट. अभी से हम जो सीड्स प्लांट कर रहे हैं, उनको बढ़ के ट्री बनने में और फ्रूट बियर होने में इतने साल लगेंगे, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि ये चेंजेस आने वाले 50 सालों में आएंगे, राइट. तब सोसाइटी थोड़ी डिफरेंट होगी, ब्यूटीफुल होगी, राइट. सो वी हैव टू बी द चेंज, सबसे पहले जो हम सोसाइटी में चाहते हैं. देन वी टीच दोस थिंग्स टू आर किड्स, वी टेल देम दैट वी नीड टू क्रिएट अ ब्यूटीफुल बैलेंस बिटवीन द मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ, राइट. क्योंकि हम, मैं हमेशा बोलती हूँ, चाहे मेल बॉडी में है या फीमेल बॉडी में है, हमारे अंदर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज दोनों है. तो हमारी जो लेफ्ट साइड है वो दैट इज फेमिनिन एनर्जी, राइट साइड जो है वो है मैस्कुलिन एनर्जी. जैसे आपने यिन यांग सुनते हैं ना, कि यिन यांग बैलेंसिंग, मैस्कुलिन फेमिनिन, शिव शक्ति, जैसे वो हाफ मेल हाफ फीमेल है, तो हम सभी हाफ मेल हाफ फीमेल है. ये क्यों बनाया गया था, टू क्रिएट बैलेंस. क्योंकि जब बीइंग अ वुमन, हम लोग ज्यादा, हमारी एनर्जी फेमिनिन डोमिनेंट होती है, मैस्कुलिन डोमिनेंट कम होती है. तो क्या है वो, इसलिए होता है कि जब भी, अगर मान लो हमें किसी मुसीबत का सामना करना पड़े, तो हमें डरे नहीं, तब हमारा मैस्कुलिन बाहर आ जाए और ही कैन प्रोटेक्ट अस. ये इसलिए है. और मेन के पास वो ज्यादा मैस्कुलिन है, वो हेल्दी है, वो हमसे ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि उनका तब जॉब क्राइटेरिया वैसा था, राइट. दे हैड टू बी फाइटर्स एंड ऑल, एंड वी हैड टू बी सिट बैक एट होम एंड रेज चिल्ड्रन एंड कुक फूड एंड डू एवरीथिंग बैक होम. तो हमारा उस हिसाब से था. तो बैलेंस सृष्टि ने ऐसे रचा था, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन में. तो मैस्कुलिन का क्या था, दे विल बी मोर मैस्कुलिन, बट दे हैव अ फेमिनिन साइड. सो
so that they can also feel whenever it is required. They can feel emotions. तो जब इमोशंस की बारी आती है तो उनकी फेमिनिन डोमिनेंट हो जाती है. तो आपने कभी देखा होगा कि जैसे हम सिंगल पेरेंट्स हैं, यहाँ पे काफी सारे होंगे, अगर नहीं है तो इट्स ओके. सिंगल पेरेंट्स हैं तो बीइंग फीमेल, जब हम घर में बच्चों को पालते हैं तो वी आर मोर इनटू आवर फेमिनिन. लेकिन जब हमें बाहर जाना पड़ता है, वी हैव टू फेस द वर्ल्ड. नाउ सिंस वी डोंट हैव अ मैन, फिजिकल मैन इन आवर लाइफ, तो आवर मैस्कुलिन साइड कम्स अप. तो हम कॉन्फिडेंट होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं, हमें पता होता है कि कोई भी सिचुएशन आ जाए, आई विल बी एबल टू हैंडल. दैट मींस कि हमारी एनर्जी में बैलेंस है. और अगर कोई मेल है जो सिंगल पेरेंट है, तो आपने देखा होगा कि वो जब बच्चों के साथ खेल रहा है, उनको खिला रहा है, पाल रहा है, तो उसकी फेमिनिन एनर्जी डोमिनेंट हो जाती है. ही इज मोर लाइक मदर. आप जब भी जाओगे तो उसको, बच्चों को एकदम माँ की तरफ प्यार करता दिखेगा, तो उनकी फेमिनिन एनर्जी उस वक्त डोमिनेंट होती है. एक औरत वाला एसेंस दिखता है, वो क्या होता है, मोमेंटरीली उसकी खुद की फेमिनिन एनर्जी जो है वो जागृत हो जाती है उस टाइम में, ठीक है. और वही बंदा जब आप बाहर, उसको बाहर की दुनिया में मिलोगे, तो वो आपको बिल्कुल ऐसा दिखेगा, आपको लगेगा कि क्या ये वही आदमी है जो घर पे इतना इमोशनल है अपने बच्चों के साथ, और बाहर इसको देखो कितना स्ट्रिक्ट, कितना स्ट्रांग. तो वो ये बैलेंस करने के लिए सृष्टि ने हमें दोनों ऊर्जाएं दी हैं हमारे भीतर. और फिर ये दो अलग अलग शरीर इसलिए दिए हैं पार्टनरशिप के लिए, ठीक है. फेमिनिन और मैस्कुलिन को बाहर पार्टनरशिप चाहिए दो से, क्योंकि हम 3D दुनिया में रहते हैं, तो 3D में जब दो मिलते हैं तो एक तीसरा उत्पन्न होता है. तो दो, तो सी हाउ ब्यूटिफुली दिस सृष्टि, दिस यूनिवर्स हैज क्रिएटेड अस, हाउ ब्यूटिफुली कि हम में दोनों ही एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन क्योंकि हमें पता नहीं होता और हम उसको बैलेंस नहीं कर पाते, और हमने मैस्कुलिन को गलत चीज सिखा दी कि इट इज नॉट ओके टू फील द इमोशंस, यू हैव टू बी रॉक हार्ड. एंड फीमेल को सिखा दिया कि तुम्हें कभी अपने आप को मर्द के बराबर नहीं समझना है, एंड तुम्हें रो लो पिट लो जो मर्जी कर लो, बट यू डोंट हैव टू स्पीक फॉर योरसेल्फ, तुम्हें नीचे झुक के रहना है. तो ये कितना गलत हमें सोसाइटी ने सिखा दिया, राइट. जबकि उसने, जिसे ईश्वर, परमात्मा, गॉड, अल्लाह, जो भी बोलते हैं, यूनिवर्स, सोर्स, उसने तो हमें होल एंड कंप्लीट ही बनाया है कि जैसी भी सिचुएशन हो, एक फिजिकल पार्टनर हम सबके लिए बनाया है, इसीलिए मैस्कुलिन फेमिनिन दो बनाए हैं, राइट. लेकिन वो होते हुए भी हम हर एक बंदा होल एंड कंप्लीट है. एक अभी हमारे पे कोई अटैक कर देगा तो हमारी कैसे चंडी काली बाहर निकल आएगी, राइट. हम उसको मारेंगे क्योंकि हमें खुद को प्रोटेक्ट करना है. तब हम नहीं होते, तब हमारा मैस्कुलिन होता है जो बाहर आता है, राइट. तो दिस इज हाउ वी ऑल आर मेड अप ऑफ, राइट. तो इसको बैलेंस क्रिएट करना है तो हमें अपनी बेटियों को सिखाना पड़ेगा टू गेट इनटू, इट्स ओके टू बी इनटू देयर मैस्कुलिन सम टाइम. एंड अपने सन्स को ये सिखाना पड़ेगा, इट्स ओके टू बी इनटू योर फेमिनिन साइड सम टाइम्स, ताकि तुम इमोशंस को रिलीज कर सको. एंड उसमें कोई बुरा नहीं है, तुम्हें कोई लड़की नहीं बोलेगा इफ यू आर क्राइंग, दैट डजंट मीन यू आर अ वुमन, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर अ वुमन एंड अ मैन. आई एम अ वुमन एंड अ मैन बोथ इनसाइड मी, राइट. तो फिर फर्क कहाँ है? तो जब हम सब है ही वो चीज होल एंड कंप्लीट, तो फिर हमने क्यों लेबल कर दिया कि लड़का रोएगा तो वो लड़की है, और अगर लड़की थोड़ा फाइटर, थोड़ा उस मोड में है, तो वो उसको हम बोल देते हैं कि ये तो लड़कों जैसी है. वाई? क्योंकि हम तो है ही वो, हम तो है ही कंप्लीट इनसाइड, राइट. तो ये बैलेंस क्रिएट करेंगे हम लोग, आने वाली जनरेशंस को ये चीजें सिखाएंगे, तो ऑटोमेटिकली वी आर गोइंग टू क्रिएट अ ब्यूटीफुल सोसाइटी फॉर एवरीबॉडी, राइट. इस प्रकार से रचा है. लेकिन चाहे हम मेल बॉडी में है या फीमेल बॉडी में है, हम होल एंड कंप्लीट हैं. हर हाल में हम होल एंड कंप्लीट हैं. तो सोसाइटी ने जो हमें गलत सिखाया है, अब हमें उसको फॉलो नहीं करना है. हमें खुद की एनर्जीज को पहले बैलेंस करना है, फिर हमें वो अपने बच्चों को सिखाना है, ताकि वो आने वाले समय में सोसाइटी एक बहुत खूबसूरत बैलेंस सोसाइटी हो, जिसमें लड़के लड़कियों को उस नजर से नहीं देखते जिस नजर में अभी देखते. वो क्यों देखते हैं? क्योंकि हमने डिफरेंशिएट कर दिया ना, फेमिनिन और मैस्कुलिन को अलग अलग कर दिया, तो उनका नजरिया ही टोटल बदल गया. तो जब हम उनको एक साथ बैलेंस में लाएंगे ना, तब वो लड़की लड़के को उस हिसाब से नहीं देखेगी कि अच्छा ये डोमिनेंट है तो मुझे सप्रेस होके रहना है, और वो नहीं देखेगा कि मुझे डोमिनेंट रहना है और उसको सप्रेस करना. तो इट विल बी अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सोसाइटी, ब्यूटीफुल वर्ल्ड. समझ आ गया आपको? थैंक यू, थैंक यू, एंड लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू.
आप इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स कई बार ले आते हो ना, तो कई बार मुझे भी लगता है, आई ऑल्सो गेट अमेज्ड कि वाह आज इतनी अच्छी चीज निकल के आई है. थैंक यू सो मच. यस, स्टार्ट करें मेडिटेशन.